लो दोस्तों नमस्कार, जो भी चैनल पर नए हैं हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और तो दोस्तों हमारी दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई, आर्या अभी सो रही है, द्विज जा चुके हैं आर्या को उठाने के लिए, और आर्या का है आज बर्थडे, आज है 25 अप्रैल। और मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए आए हैं या वीडियो को देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और ये सारी मेमोरीज़ हैं जो ये मैं हम डेकोरेशन कर रहे हैं, ये आज आर्या का बर्थडे है तो सरप्राइज़ के तौर पर जब वो नींद से उठेगी तो ये सरप्राइज़ उसके लिए रहेगा। और हमने गुब्बारों में भर दिए हैं गुलाब, और अभी एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक सरप्राइज़ की तरह हमेशा याद रहता है। आर्या अब 3 साल की हो गई है और जब वो उठ के देखेगी ये क्या है तो उसके लिए सरप्राइज़ होना चाहिए, और इसके लिए गिफ्ट भी है। और अभी नीचे पूनम गुलाब बिछा रही है ताकि वो उठे और उसको सरप्राइज़ लगे। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम संजो कर वीडियो के माध्यम से रखते हैं। तो आरू उड़ गई है और उससे हमने विश किया और उसको बहुत मज़ा आया, वो नीचे से क्रॉल करके बाहर निकल के आई और बैलून भी नहीं फोड़ा, उसको बैलून फोड़ना अच्छा नहीं लगता, डर जाती है, बट उसको गुलाब की पंखुड़ियों से खेलना बड़ा अच्छा लग रहा है। और अनय ने उसको दिया बर्थडे गिफ्ट, उसे द्विज ने उसकी आँख बंद करके रखा, उसको बहुत पसंद आया ये। पूनम ने ये गिफ्ट पहले ही मंगा कर रख लिया था तो अब उसको खोल के उसको जमाने का काम हमारी आर्या मैडम कर रही हैं और मम्मी उनकी हेल्प करा रही हैं। द्विज खड़े बैठ के देख रहे हैं अभी उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो उनको मेकअप का सामान उनको जमाना बड़ा अच्छा लगता है। दादू वहाँ दवाई खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और तो बर्थडे का कुछ यूँ सेलिब्रेशन शुरू हुआ। और फिर हम अपने दिनचर्या के साथ, आहा कितना अच्छा लग रहा है, तो उसको सारी चीज़ें पिंक चाहिए, वो ड्रेस से लेके उनको उनके जो भी चीज़ें हैं उनको पिंक चाहिए होता है। तो इसके लिए हम जो भी चीज़ें हैं उनको पिंक ही दिलाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें अवेलेबल हैं पिंक वो पिंक में। अभी उनका स्कूल जाने का समय है तो स्कूल में आज तो बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा, स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेशन होगा कल। तो ये उनका स्कूल ड्रेस है और सामने उनका स्कूल है, तो पहले तो 2-3 दिन खूब उनको स्कूल जाने में रोना आ रहा था, बट अब मन लग गया है उनको स्कूल जाने में। और अब हो चुकी है शाम, केक काटने की तैयारी है, बहुत सारा हैटिक दिन था, सारी चीज़ें काम सामान और ये सारी चीज़ें जो बच्चे लोग आएंगे उनके व्यवस्था करने में बहुत सारा समय गया। अनय पीछे खड़े हैं, सारे आर्या के फ्रेंड्स लोग आगे हैं, और अब हो रही है केक कटिंग। तो आर्या का बारबी वाला केक जो हमने कल सुबह ही ऑर्डर किया था, और अभी सारे बच्चे केक पर लपकने वाले हैं, अनय वेट कर रहे हैं कि उसको केक खिला दें। और बच्चे अब धीरे धीरे तनय उसका हाथ हटा रहा है, छोटे बच्चे का अभी वो मोमबत्ती को बुझाकर। पर हमारे इसमें मोमबत्ती को बुझाकर नहीं होता तो इसीलिए वो जलते हुए मोमबत्ती में ही केक काट लिया, बाद में उसको बुझा दिया गया। तो अभी बच्चे लोग टूट पड़े हैं सब लोग केक के ऊपर, और इसी का मज़ा है, यही जो मेमोरीज़ हैं ये हमेशा रहती हैं वीडियो के माध्यम से। और ये इनके मामा दादू नानू सारे लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमने इसलिए ये होम सेलिब्रेशन जो बर्थडे का है वो रख रखा है। बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग आया है तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। हाँ शूट उतना अच्छे से नहीं हुआ पर फिर भी जो हुआ वो ही काफ़ी है, क्योंकि बीच बीच में बच्चे लोग आते जा रहे हैं, और इसके लिए शूटिंग के लिए धारा को हम थैंक यू बोलते हैं, फिर हम हार्दिक भाई को थैंक यू बोलते हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारा शूट करके दिया। और अब आर्या
आर्या को केक बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। प्लेट में ले ले बेटा, जैसे ऐसे न प्लेट में ले ले। तो बस अब केक का सेशन ख़त्म हो गया, अब बाकी सबके खाने पीने नाश्ते का टाइम है, क्योंकि सेलिब्रेशन हो और खाना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और ये अपने सोसाइटी के बच्चे हैं, आर्या के एज के, आर्या से थोड़े बड़े, जो आर्या के साथ खेलते कूदते रहते हैं। तो बाकी सारे लोग चले गए हैं और यहाँ आर्या जादू से सबके लिए खाना बुलवा रही है, शू। ये मज़ेदार है। हर्षल भाई, अंकल, आंटी, धरा, प्रियंका, हार्दिक भाई और ये हमारी परी जादू से सबके लिए खाना लेके आ रही है। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं विंग्स वाली परी फ़ोटो खिंचवाते हुए, ये तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके मेमोरीज़ में रहती हैं। अब इनने खोल लिया अपना गिफ्ट, उसको रखो, जो कि इनको अनय भैया ने दिया है। अभी उनको चलाते बन नहीं रहा है, वो कोशिश कर रही हैं चलाने की। तो ये लगाया उनने अपना एक डिब्बा, फिर अनय भैया ने वहाँ लगाया और ये हो गया एक्सीडेंट। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।